गाइस आई एम बैक विद माय अनदर गेम प्ले और आज हम खेल रहे हैं ग्रानी। तो सभी लोग जंप स्केयर्स के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब जब कोई ग्रानी खेलता है तो जंप स्केयर्स तो मिलते ही हैं, और क्योंकि ये चैप्टर 2 है तो इसमें हमारे ग्रैंडफा भी हैं। तो फिर मैंने हमें अभी और भी ऐसे गेम्स खेलूँगा। माइनक्राफ्ट सर्वाइवर सीरीज का हर एपिसोड संडे को आएगा और बीच के किसी एक दिन मैं ऐसा कोई गेम खेलूँगा। और हाँ, आपको ऑडियो क्वालिटी में भी फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि ना ही मेरी अभी वॉइस एको कर रही है ना ही कुछ और, क्योंकि मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ जहाँ मैं हमेशा बैठता हूँ। अब बातें बहुत कर ली हैं, सीधा हमारे गेम पे चलते हैं। सो ग्रैंडफा को बोथ कर लेना, ईजी रहने देते हैं, डार्कर म्यूजिक चाहिए, नाइट मेरर एक्स्ट्रा लॉक्स नहीं। तो आप सीधा शुरू करते हैं। बी क्वाइट ग्रानी का नेज़ू, ये सब तो जानते हैं। डे वन, लेट्स सी क्या हम एस्केप कर पाते हैं। यहाँ पे संगन भी नहीं है। सबसे पहले रानी है, मुझे रानी वही खड़ी। पहले दिन पे इतनी जल्दी मारा गया। ओह, तो गाइस इट्स द डे 2 और हम लोग वैसे वहीं आ गए। इतनी जल्दी मैं मर जाऊंगा मैंने सोचा नहीं था। एस्केप करना तो बहुत मुश्किल है मेरे सोचने से बहुत ज़्यादा। तो मैं एस्केप तो कर ही दूंगा और बैकग्राउंड नॉइसेस को हमेशा इधर इग्नोर करो। अभी अब मैं यहाँ पर हटाऊँगा तो फिर से ग्रानी आएगी। अभी सीधा आपसे मिलता हूँ वरना आप लोगों को बोर होगा। गाइस ग्रानी आके तो चली गई, हमें भी बाहर आना होगा। एक बार कोई गन वगैरह कुछ मिल जाए फिर दोनों बुढ़े बुढ़िया कुछ खाऊंगा। बुढ़िया रही बुढ़िया वो छेड़ो शिट। भागो 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 भागो। लेट्स सी कैन आई डू इट। ओह शिट, ग्रैंडफा आ गया। वो क्या रहा मेरे साथ ग्रानी ग्रैंडफा, इतना मुश्किल हो रहा है। ग्रानी वहाँ है, वो क्या रहा साथ। ओह शिट, बहुत इंटेंस चल रहा है यहाँ पे मामला। गाइस ग्रानी और ग्रैंडफा दोनों बच्चों में अपने बिल में वहाँ भी गया। बिल ही है एक तरीके से, सोचा ही नहीं कि मुझे कैसे एस्केप करना है बोट से, हेलीकॉप्टर से या डोर से। आई थिंक इस बार मैं हेलीकॉप्टर एस्केप ट्राई करना चाहूँगा। लेट्स सी, सबसे पहले फिर हमें ग्रैंडफा के गले से चाबी भी चाहिए होगी। उसके लिए मुझे शायद स्टन गन या फिर शॉर्ट गन ढूंढनी होगी। कुछ नहीं मिल रहा लगता, आज मैं खाली हाथ ही जाऊँगा। एक जगह है जहाँ पर उम्मीद बची है संगन की, लेकिन यहाँ पे ग्रानी है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पे भी मुझे कुछ एकदम से दिखा था, खैर होगा कुछ, लेकिन वो बहुत डरावना था। इससे पहले ग्रैंडफा भी मेरे पीछे है, ये दोनों बुढ़िया बुढ़ा मेरे पीछे लगे हुए हैं। संगन मिल गई है, अब डरा आओ तुम लोग। इसमें कुछ ज़्यादा ही उस स्लो में बोल रहा था, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा। अब मैं वैसे बात नहीं करूँगा और संगन आ गया तो अब इन दोनों को भी मैं मजा चखाऊंगा। खूंसट बुढ़े बाहर आ, और ये खूंसट बुढ़े आ खूंसट कुत्ता। फट से हेडशॉट, फिर वो हेडशॉट नहीं लगा। फट से हेडशॉट, खुद बोलने की जगह जाए अगली बार से नहीं लगाऊंगा।
उल्टा क्यों गिरा तू? किसने तुझे कोई उल्टा करने को कहा? मुझे की दे, की चाहिए मुझे, की मिल गई। फटाफट ऊपर जाता हूँ इससे पहले दोनों जिंदा हो। तो गाइस दो पीस ऑफ पिक्चर तो मुझे मिल गए ना, लेट्स सी तीसरा किधर मिलता है। शायद वो कुत्ते के पास था जब मैं गया था। हाँ कुत्ते के ही पास होगा ग्रैंडफा के, उसने टहल। गाइस मेरा शक सही था, ये निकलने कुत्ते के पास ही है पीस ऑफ पिक्चर। उसके लिए या तो हमें इस कुत्ते को मारना पड़ेगा, लेकिन फिर ग्रैंडफा और ग्रानी दोनों साथ में आके बांध बजाएंगे। कुत्ते को तो नहीं मारना होगा। एक काम करता हूँ, रेंच ढूंढता हूँ। रेंच से खुलता है ना? ओ शिट, ओह बहुत बुरा मारा ग्रानी ने, बेहोश होना चाहिए था, इतनी जल्दी दो मिनट हो गए। डे थ्री, फिर से मैं नहीं पिटना चाहता उस कुत्ते से, तो मैं निकाल ही लूँगा पीस ऑफ पिक्चर। वैसे उस ग्रैंडफा का कुत्ते का कुछ नाम भी था, और शायद वो एलियन है, पता नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना उसके बारे में, लेकिन फिलहाल वो एक कुत्ता है। हम डे फोर पे पहुंच चुके हैं, इतने सारे डेज वेस्ट करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि मैं स्किप कर पाऊंगा। अभी तक मैंने लिटरली पीस ऑफ पिक्चर्स भी जमा नहीं किए। ऑफलाइन तो मैं यू स्किप कर लेता था, वो बात अलग है कि मैं सिर्फ ग्रैंडफा के साथ खेलता था। स्किप तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट लेट्स कीप अ होप, ट्राई करते हैं स्नगन ले लिए। कोई आज संगन उठा लेना। ग्रानी भी आती होगी, इससे पहले ग्रानी अपनी एंट्री मारे। ग्रानी के तेरे, हाँ और नो सॉरी गाइस, ऐसे चिल्लाए निकले, बट चिल्लाना आ ही जाता है जब ग्रानी आपके सामने हो और आपने शॉट गलत मार दिया हो। क्या करूँ मैं, ऊपर जाके चढ़ जाता हूँ, वहाँ पे भी कुछ आइटम्स मिलते हैं, वो तो मैंने देखे ही नहीं। पता है देख लिया तूने मुझे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रोबार है तो क्रोबार उठा के नीचे चलते हैं। ग्रानी ने बहुत गंदा पकड़ा था हमें। यहाँ पे गैसोलीन कुछ तो ढूंढा मिल ही जाएगा। हाँ पता है देख लिया, ये ग्रानी का सिस्टम, जहाँ पे ग्रानी और ग्रैंडफा कभी नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन लगा है। मैं फिर से ग्रानी के हाथ आने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। ये बस शॉटगन मिल जाए ना तब बताएं, या बोट की। अब तो मैं कभी एस्केप नहीं कर पाऊंगा, आई एम नूब। एस्केप तो मैं करूँगा ही, आज नहीं तो अगली वीडियो में, अगली नहीं तो उसकी बाद वाली वीडियो में 1000 वीडियोस बना दूंगा, लेकिन कभी ना कभी तो एस्केप कर ही लूँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने अपनी शॉटगन स्टन गन कहाँ ड्रॉप की थी, कुछ भी दिमाग में नहीं पड़ रहा। ओ शिट, नो नो, कहाँ से आ जाती है ये बुढ़िया। ग्लास फ्यूज का तो आगे काम है, तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे ग्रैंडफा दो मिनट का, दो मिनट के
देखो, नाम लिया शैतान हाजिर, अबे मतलब मैं ये इंसान 100 साल जिंदा रहेगा और मुझे हमेशा परेशान करेगा। देखें यहाँ पे गैसोलीन मिल जाती है, मिल गई गैसोलीन भी। किरानी फिर से मेरे पीछे लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, रेंच ना ढूंढ पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पीछे ही होगी मेरा, अभी आती होगी। लो ये आ गए अंकल जी। ग्रानी ग्रानी शैतान की नानी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं स्किप कर पाऊंगा? कमेंट डाउन। मुझे तो नहीं लगता आप कोई उम्मीद बची है स्किप करने की। इस घर में बंद हो क्या? कब से हाइड एंड सीक ही तो खेल रहा हूँ, और क्या हाइड एंड सीक खेलूँ मैं? क्या चाहती है तू? यस मैं फिर से मर गया। और ये ऐड बार बार क्यों? डे 5 गाइस, मैं अपनी सारी होप्स खो चुका हूँ और अब कोई फर्स्ट टाइम मुझसे एस्केप करा सकता है। और ग्रानी में कोई फरिश्ता नहीं है, बस ये दोनों बुढ़े हैं और बुढ़िया है और मैं हूँ। नथिंग टू डू नाउ। व्रेंच भी पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है। नाम लिया व्रेंच हाजिर। वहां से ग्रानी, उधर से ग्रानी, मैं कितना गंदा बच्चा हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा मरता। I see you. बीच बीच में थोड़ी ऑडियो कट जा रही है, वो मैं थोड़ी बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड करने के लिए काट देता हूँ बीच बीच में, तो आप लोग समझिएगा कि मैं काट रहा हूँ। तो अगर ये मत समझना कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया या फिर आपका स्पीकर ख़राब हो गया, मेरी गलती है सारी। अब ग्रानी से इतनी बार पिटने के बाद लगता है कि नलका तो खोल दिया, अभी मैं इसे ड्रॉप भी नहीं कर सकता क्योंकि ग्रानी आएगी। ओ शिट, ग्रानी का नाम लिया ग्रानी हाजिर। क्या तुझे रे, अब ये आएगा ये तो अभी ड्रॉप कर दो ना, फिर से आएगी। अब तू भी 100 साल जिएगी वे मतलब में है। जब भी मैं नाम लेता हूँ मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने ग्रैंडफा कहा था तो मुझे तुरंत ग्रैंडफा दिख गया। ग्रानी कहा, ग्रानी दिख गई। व्रेंच मांगा, व्रेंच दिख गया। और क्या दिखा रही हो? पेट में तो तकलीफ है, इधर तो आ नहीं सकती, बस डंडा ही दिखा सकती हो। बस ग्रानी जा जा जा, ओ ग्रानी जा जा जा, अपने पति के पास जा, वरना बर्तन धो। खाना वाना नहीं बनाती अपने पति के लिए? देखो भूल गई थी बर्तन धोना, मैंने दिलाया ग्रानी को। जाना